हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस एक्चुअली पहले मैं एक बात बता देती हूँ पी ओ ई एम इसको हम लोग पोएम नहीं पढ़ते इसका सही प्रोनाशिएशन होता है पोम सो so, जो ये पोम हम लोग आज डिस्कस करेंगे दैट इज होप होप इज द थिंग विथ फेदर्स रिटन बाय एमली डिकिंशन एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने सोचा मैं वीडियो आखिर किस पोम पे बनाऊं तो मैंने गूगल पे सर्च किया टेन मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल टाइम्स और उसमें सबसे पहला नाम मुझे इसी का मिला कि ऑल टाइम ग्रेट पॉपुलर पोएट्स में से एक अगर नाम लिया जाए तो इनका नाम जरूर आएगा और अमेरिकन पोएट्स में तो इनका नाम जरूर ही इंक्लूडेड होगा रा, राल्फ वाल्डो इमर्शन और वॉल्ट विटमैन जैसे जो कुछ पोइट्स थे उन्हीं में से इनकी भी गिनती आएगी जिन्होंने जो लिखने के रूल्स थे थे उसको कभी भी फॉलो नहीं किया ये 1861 में ने लिखा था ये एक लार्जर पोएम लाइफ है उसका ये पार्ट है, है ये जो पोएम हम अभी पढ़ेंगे लिरिकल पोएट्री है लिरिकल पोएट्री क्या होता है एक फॉर्मल स्टाइल ऑफ पोएट्री होती है जिसमें पर्सनल फीलिंग्स इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है यूजुअली ये फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है मतलब कि जो भी पोएट हैं वो ऐसे लिखती हैं एज इफ वो खुद अपने पर्सनल फीलिंग्स को आपसे शेयर कर रही हो। और जाहिर सी बात है फर्स्ट पर्सन है यानी कि आई जो है जो प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन है आई वो डेफिनेटली पोएम में यूज़ हुआ होगा किसी भी पोएम को जब समझना होता है सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम उसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसकी मीनिंग शायद हमको नहीं पता हो तो हम उसे डिक्शनरी मीनिंग उसका सर्च करते हैं क्योंकि पोएम में अगर मान लीजिए उस वर्ड का कोई दूसरा मीनिंग भी जो पोएटों वो एक्सप्रेस करना चाह रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो डिक्शनरी मीनिंग से कनेक्टेड ही होता है तो चलिए सबसे पहले हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं उसके बाद इसके थीम्स इसके एनालिसिस सब कुछ होगा बाद में फर्स्ट लाइन इज होप इज़ द थिंग विथ feathers. तो यूज वाली हम लोग किसके पास समझते हैं कि होता है बर्ड्स के पास शुरू ही फर्स्ट लाइन से ही पोएट ने होप को इनडायरेक्टली कंपेयर किया है बर्ड्स से तो इस वजह से हम कह सकते हैं मेटाफर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो इस पूरे पोएम में यूज़ हुआ है और क्योंकि पूरे पोएम में जो कनेक्शन है होप के बीच और बर्ड के बीच वो सेम कनेक्शन है सेम कंपैरिजन है और इसलिए हम कह सकते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर जो है वो यूज हुआ है सो फर्स्ट लाइन का क्या मीनिंग है दैट होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स होप ऐसी चीज़ होती है जिसके पंख होते मीन्स क्या बेसिकली ये बोलना चाह रही हैं कि उम्मीद जो होती है वो किसी भी इंसान को पंख देती है उड़ने के लिए जैसे कि एक चिड़िया के पास पंख होती है जिसकी वजह से वो उड़ पाता है उसी तरह से इंसान के पास उम्मीद होती है जिसकी वजह से वो बड़े सपने देख पाता है उन सपनों को पूरा करने की तरफ अपने कदम बढ़ा पाता है दैट पर्च इज़ इन सोल देखिए फिर से यहाँ पे जो पर्च वर्ड है वो एक्चुअली बर्ड से कनेक्टेड वर्ड है इसका मतलब होता है जब कोई चिड़िया किसी चीज पर रेस्ट कर रही होती है या फिर कोई चिड़िया कहीं से उड़कर आती है और कहीं पर लैंड करती है दैट वर्ट इज कॉल्ड पर्च दैट जो यहाँ पे प्रोनाउन है दैट हैज बीन यूज फॉर होप तो होप वो चीज़ है जो कि हमारे सोल में हमारी आत्मा में रेस्ट करती वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट होती है एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स एंड स्टॉप्स एट ऑल और ये हमेशा हमारे आत्मा में हमारे अंदर की आवाज़ बनकर हमेशा गुनगुनाते रहती है एक ऐसा गाना गाती है जिसमें शब्द नहीं होता सो so, पोएट इस लाइन से क्या बोलना चाह रहे विदाउट वर्ड्स एक्चुअली क्या है देखिए जब कोई म्यूजिक है सिर्फ एक ट्यून है तो किसी भी लैंग्वेज किसी भी कल्चर का इंसान वो चीज़ समझ सकता है लेकिन अगर आप उसमें वर्ड्स डाल दो तो वर्ड्स क्या है वो एक खास भाषा का वर्ड है तो सिर्फ उसी भाषा के लोग उसे समझ पाएंगे लेकिन ये बोलना चाह रहे उम्मीद एक ऐसी चीज है जो हर इंसान समझता है और हर इंसान के अंदर प्रेजेंट होता है ये उम्मीद जो है म्यूजिक है जो हर इंसान के अंदर बजता है जो उसकी लाइफ को ड्राई होने नहीं देता नीरस होने नहीं देता वो एक ट्यून है जो हमारे अंदर हमेशा बचता है हमें एक खुशी देता है एक जीने की वजह देता है और वो कभी भी नहीं रुकता सो दिस इज द फर्स्ट स्टैंडा इसका राइम स्कीम हम देख लेते हैं कि राइमिंग क्या है इस स्टैंडा का सो so, जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका लास्ट है इसे जिसे ए मार्क किया सेकेंड है सोल तो ये मैच नहीं कर रहा तो हम इसे बी मार्क करेंगे देन वर्ड्स ये ऊपर में से दोनों के लास्ट साउंड किसी से मैच नहीं कर रहा तो हम इसे सी मार्क करेंगे एंड देन ऑल ऑल और सोल ये मैच कर रहा लास्ट का साउंड जो है तो इस वजह से इसे भी हम बी मार्क करेंगे सो so फाइनल जो राइम हुआ इस स्टैंडा का दैट इज ए बी सी बी एंड दिस इज द सेकेंड स्टैंडा एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड गेल वर्ड का मतलब होता है एक स्ट्रोंग बहुत ही स्ट्रांग विंड तो यहाँ पे ये गेल वर्ड किसको डिनोट कर रहा है हमारे लाइफ के जो मुश्किल हो मुश्किल वक्त होते हैं जो डिफ़िकल्ट टाइम होते हैं उनको डिनोट कर रहा है बोल रहा है क्या एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज़ हर्ड मतलब वो जो म्यूज़िक है पुराने स्टैंड में क्या था कि एक म्यूज़िक एक ट्यून है जो हमेशा हमारे अंदर बजते रहता है वो ट्यून क्या है वो है उम्मीद होप वही चीज़ वो आगे कंटिन्यू करे सेकंड स्टैंज़ा में और वो जो ट्यून है जो म्यूजिक है वो सबसे मीठा कब होता है जब हमारे लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है जब हमारे लाइफ में कोई आंधी कोई तूफान आया होता है मतलब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आया होता है तब वो जो उम्मीद है वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है और हमें और स्ट्रॉग बनाती है ये जो पूरा स्टैंडजा है ना ये एक्चुअली आपको बता रहा है कि जब हमारा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होता है तो यही एक होप होती है कोई उम्मीद होती है जो कि हमारे साथ होती है हमें पकड़ कर रखती है हमें टूटने नहीं देती हमें कमज़ोर नहीं पड़ने देती ये क्वेश्चन आता है कि सेकेंड स्टैंडर्ड जो है वो किस बात को डिनोट करता है सो so, जो फर्स्ट था, वो होप को बताता है सेकेंड स्टैंडर्ड जो है वो ये बताता है कि जो होप होता है वो हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशन में स्टैंड करने में मदद करता है हमें उन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को ओवरकम करने में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हराने में हेल्प करता है तो क्या बोल रहा है एंड सोर सोर वर्ड का मतलब है पेनफुल और अगर मान लो ये जो तो चिड़िया हैं चिड़िया किस चीज़ को डिनोट कर रही है उम्मीद को तो इस उम्मीद की चिड़िया जो है इसको तोड़ने के लिए अबैश वर्ड का मतलब होता है शर्मिंदा करना अन करना तो ये जो उम्मीद है इसको तोड़ने के लिए बहुत ही ताकतवर स्टॉर्म चाहिए मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगा तब जाकर के कहीं ये उम्मीद हल्की टूटने लगती है वरना थोड़े मोड़े डिफ़िकल्टीज़ में ये उम्मीद कभी नहीं कहीं जाती वो हमेशा हमारे साथ होती है वही वो बोल रहा है एंड सोर एंड मतलब एंड पेनफुल मस्ट बी द स्टॉर्म और जो वो आंधी है जो तूफ़ान जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो उसे बहुत पेनफुल होना पड़ेगा जो कि दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड जो इस छोटी सी चिड़िया छोटी सी उम्मीद को तोड़ सके दैट केप्ट सो मेनी वॉर्म यहाँ पे भी दैट जो है दैट स्टैंड फॉर होप उम्मीद जो है वो बहुत सारे लोगों को एक वार्म देती है वार्म सेंस क्या होता है इस वर्ड का एक अपनापन एक एक साथ किसी दूसरे इंसान का साथ तो वही वो कह रहा कि जो उम्मीद होती है वो कितने लोगों को का साथ बनती है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जब हमारे साथ कोई नहीं होता तो ये उम्मीद ही होती है जो हमें सहारा देती है तो उसकी राइमिंग क्या होगी हर्ड एंड बर्ड यानी फर्स्ट सेंटेंस का लास्ट साउंड और थर्ड सेंटेंस का लास्ट साउंड वो सेम है तो हम अगर फिर से शुरू करें तो ए, -ए हो जाएगा एंड सेकेंड का स्टॉर्म एंड लास्ट जो लाइन है इसका तो बी बी तो दैट मीन्स किसका राइम होगा ए बी ए बी एंड गोज द थर्ड स्टैंडज आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड यहाँ पे देखिए आई यानी कि पर्सनलाइज कर रही हैं जो पोएटेस हैं वो कि मैंने हमेशा उसकी आवाज़ उसकी म्यूजिक सुनी है इन द चिलेस्ट लैंड चिलेस्ट लैंड का सेंस है जो बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाता है हमारे लाइफ में बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाता है तो मैंने हमेशा अपने सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उम्मीद को देखा है कि वो हमेशा मेरे अंदर एक शांति देती है मुझे ताकत देती है उसकी म्यूजिक मैंने हमेशा उस वक्त भी सुनी है एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी तो स्ट्रेंजेस्ट सी का भी वही सेंस है कि जो सबसे अजीब जब कोई रास्ता आया जब सबसे मुश्किल वक्त आया तब भी वो मेरे साथ थी वो उम्मीद एट नेवर इन एक्सट्रीमिटी इट आस्क क्रम्ब ऑफ मी आगे पोइटे ये बोल रही हैं कि चाहे कितने भी एक्सट्रीम सिचुएशन क्यों ना हो ये हमेशा मेरे साथ रही पर इसने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं कभी मेरे साथ रहने की कीमत नहीं मांगी एक टैंडा का जो राइम होगा दैट विल बी ए बी 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 यानी कि जो लास्ट के थ्री लाइन्स हैं उनकी राइमिंग सेम है कैसे सी साउंड एक्स्ट्रीमिटी एंड मी तो लास्ट का ई साउंड सेम है और इस वजह से इनकी राइमिंग भी सेम होगी और फाइनली अब आप ये पूरा पोएम एक साथ देख लीजिए गटफर तो यूज़ हुआ ही है इस पोएम में उसके साथ साथ दो फिगर ऑफ स्पीच और भी प्रोमनेंट है दैट इज एलिटरेशन एंड एनाफोरा ये दोनों ही फिगर ऑफ़ स्पीच यूज़ होने की वजह से इस पोएम में एक रिद्म आया एक म्यूजिक आई ये पोएम जब आप पढ़ोगे तो एक गाने के जैसा आपको लगेगा और एल्टरेशन जो होता है वो क्या होता है फर्स्ट लेटर का सेम होना तो आप पूरे पोएम में देख लो एस साउंड बहुत रिपीट हुआ है सोल सिंग स्टॉप देन स्वीटेस्ट सोर स्टॉम एंड देन लास्ट टाइम में है हैं स्ट्रेंजेस्ट तो ये सी तो ये सारे सर साउंड बहुत रिपीट हुए हैं जो वर्ड्स का फर्स्ट लेटर है वो सेम उसका साउंड सेम है तो एलिटरेशन तो यूज़ हुआ ही उसके साथ साथ एनाफोरा भी यूज़ हुआ एनाफोरा क्या होता है जब स्टार्टिंग वर्ड सेम होता है तो आप देखो बहुत सारे लाइन्स में एंड से स्टार्ट हुए हैं और बहुत सारे लाइन्स जो हैं वो दैट से स्टार्ट हुए हैं तो ये सेम वर्ड का रिपीटेशन दैट इज़ एनाफोरा अगर राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो वो भी बहुत डिफरेंट है आप देख लो शुरू से इस पोएम में फुल स्टॉप शुरू में यूज़ ही नहीं हुआ है लास्ट में आप सिर्फ देख लीजिए एक जगह कॉमा है और एक जगह फुल स्टॉप है बाकी लगभग सारे जगह जो लाइन्स है वो एक डैश से एंड कर रहे हैं फिर आप देखिए कि कुछ वर्ड्स जो है वो कैपिटलाइज्ड हैं जैसे होप बर्ड और एक्सट्रीमिटी हम कह सकते एक तरह से कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुआ है होप को एज ए पर्सोनिफाई किया गया जैसे वो कोई इंसान हो जो हर वक्त हमारे साथ रहता हो तो शॉर्ट में इस पोएम का थीम लिखना हम चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं दैट होप इज़ अ थिंग दैट गिव्स अस विंग्स टू फ्लाई उम्मीद वो चीज़ होती है जो हमेशा हमें इंस्पायर करती है अब अगर मीटर की बात की जाए तो ये पोएम आएम्बिक मीटर में लिखा गया है आएम्बिक मीटर क्या होता है या आप मीटर पर मैंने एक वीडियो बनाया है लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे देख सकते हो और अगर फीट के हिसाब से देखा जाए तो कहीं पे फोर फीट वाले लाइंस और कहीं पे थ्री फीट वाले लाइंस हैं मींस ऑलमोस्ट ये अल्टरनेट चलते हैं तो कहीं पर टेट्रामीटर है जहां फोर फीट है तो वो टेट्रामीटर कहलाता है और जहां थ्री फीट है तो वो ट्राईमीटर कहलाता है यानी हम कह सकते हैं कि आय्रामीटर यूज हुआ है या फिर आय ट्राईमीटर यूज हुआ है चार लाइन के तीन स्टैंड है तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे पोव में तीन क्वार्रेन है क्वार्रेन मतलब एक ऐसा स्टैंड जो चार लाइन का होता है अब अगर शॉर्ट में हम पोएम को समराइज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस पोएम के थ्रू जो नारेटर हैं जो पोएट है वो ये कहना चाहती है कि उम्मीद जो है होप जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा हमें अंदर से कस के पकड़ी होती है या एज ए कोई इंसान हो जो हमेशा हमारे साथ होती है इन्होंने पूरे पोएम में चिड़िया से एक बर्ड से उम्मीद को कंपेयर किया है कि जैसे एक बर्ड जो है वो फ्लाई करता है अपने फेदर्स के थ्रू तो फेदर जो है वैसी ही चीज़ होती है हमारी होप जो कि हमारे पंख बनकर हमें उड़ने में मदद करती है मींस हमें लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करती है हमें डिफ़िकल्टीज को ओवरकम करने में हेल्प करती है और हम कितने भी एक्सट्रीम सिचुएशन में खराब सिचुएशन में डिफ़िकल्ट टाइम से क्यों ना गुजर रहे हों ये होप जो है वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हमसे वो बदले में कुछ नहीं चाहती वो हमसे बदले में कुछ भी नहीं मांगती सो so गाइज अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गए हों तो फील फ्री टू मैंशन इट इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो या फिर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक विद्यू पोएम और अट्टोरी टिल्स स्माइलिंग है वरफुल डेज थैंक्स फॉर वॉचिंग